सरयू नदी में बने पैदल पुल पर आवागमन फिलहाल बंद रहेगा। जिलाधिकारी अनुराधा पाल के निर्देश पर सरयू नदी के झूला पुल की जांच को गठित की गई तकनीकी टीम ने अपनी आंखियां डीएम को सौंप दी है। तकनीकी टीम ने पैदल पुल को आवागमन के योग्य नहीं माना है। टीम की आंखें के आधार पर डीएम ने पैदल पुल को फिलहाल खोलने से इनकार कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने नई बस्ती क्षेत्र में जाकर चेकिंग की तथा लोगों से मादक पदार्थ का सेवन तथा विक्रय न करने की अपील की है। पुलिस का यह अभियान विधानसभा उपचुनाव तक जारी रहेगा। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी चयन नहीं कर सकी है। कांग्रेस में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बसंत कुमार की एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव में पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है। हालांकि रंजीत दास टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दर्ज नहीं कराया है, लेकिन दो नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री जरूर हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर हरगिरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने दो नाम निर्देशन पत्र खरीदे हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि उपचुनाव की जो भी प्रचार सामग्री प्रेस में छपाई जाएगी उसमें निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जाए। प्रत्याशियों द्वारा मुद्रित की जाने वाली सामग्री में प्रेस का नाम तथा संख्या का विवरण जरूर प्रकाशित होना चाहिए। टिकट वितरण के मामले में भाजपा में भी दुविधा कम नहीं हुई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि टिकट तो दिवंगत चंद्रनाम दास के परिवार से ही होगा, उसके बाद भी देरी लोगों की समझ से परे है। अंदरूनी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि स्वर्गीय चंदन दास की पत्नी पार्वती दास अथवा पुत्रगण गौरव व भास्कर दास से टिकट तय हो सकता है।